नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद और आप देख रहे हैं डायल 100। आज हम आपको दिखाएंगे जुर्म की वो तस्वीरें जिन्हें जानना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि हमें रहना होगा इनसे सावधान। ये गुनाह के वो मामले हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं और अपने पीछे कई सवाल भी छोड़ जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं डायल 100। डायल 100 में आज बात सबसे पहले एक उस शव की जिसे चिता से उठा लिया गया। यहाँ पूरी तैयारी के साथ शव को लाया गया था उसके अंतिम संस्कार के लिए। चिता भी तैयार कर ली गई थी, लेकिन फिर अचानक जब शव को देखा गया तो हड़कंप मच गया। वहाँ परिजन भी थे तो फिर पुलिस भी पहुँच गई, लेकिन उसके बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया गया बल्कि उसे चिता से उठा लिया गया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, बताएंगे इस रिपोर्ट में। एक शव जिसे पहुंचा दिया गया शमशान घाट, एक शव जिसने शमशान में मचा दिया हड़कंप। यहां लोग भी थे और फिर यहां पहुंच गई पुलिस भी, क्योंकि इस शव पर था साजिश का साया। आपने हमेशा देखा होगा कि किसी भी घर से शव शमशान के लिए ही रवाना होता है, लेकिन क्या आपने कभी सुना है कि शमशान से भी शव वापस लौट सकता है? जी हाँ, एक शव पर यहाँ लिखी गई थी साजिश की वो इबारत जिसके बाद चिता भी सुनी रह गई, तैयारियां भी थरी रह गई और फिर छोटे लाल नामक एक शख्स के शव का अंतिम संस्कार भी रोक दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला जुड़ा है राजस्थान के बांदीकुई इलाके से, जहां एक शव के लिए चिता को सजा दिया गया था और बस उसका अंतिम संस्कार करने की तैयारियां भी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच यहां हड़कंप मच गया। जी नहीं, मरा हुआ शख्स जिंदा नहीं हुआ बल्कि उसके हाथ के अंगूठे ने यहां बवाल खड़ा कर दिया और साहब बवाल भी ऐसा मचा कि शव को शमशान से और चिता से भी उठा लिया गया। अब जरा देखिए इन तस्वीरों को। अंतिम संस्कार के लिए जिस शख्स के शव को तैयार किया गया वो है जयपुरा गांव के छोटेलाल सैनी का। लेकिन सवाल ये कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि चिता से उठाकर शव को ही वापस ट्रैक्टर में डाल दिया गया और फिर वो शहर की ओर ले जाया गया। चलिए आपको बताते हैं इस पूरे वाक्य की असल दास्तां। दरअसल जयपुरा गांव का रहने वाले छोटेलाल कल देर शाम घर से ये कहकर निकला था कि उसे रात में आने में देर हो जाएगी। इसके बाद रात को छोटेलाल के घर किसी ने खबर दी कि छोटेलाल की तबीयत खराब है और वो बांदीकुई के एक निजी अस्पताल में है। जिस पर परिजन उस अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि छोटेलाल की तबीयत ज्यादा खराब है, जिसके बाद परिजन उसे जयपुर ले जाने के लिए तैयार हो गए, किंतु रास्ते में ही मौत हो जाने के कारण परिजन छोटेलाल के शव को घर ले आए। आज सुबह अंतिम संस्कार के दौरान शमशान घाट में जैसे ही शव के ऊपर से कपड़ा हटाया गया तो अंगूठे पर स्याही का निशान देख परिजनों ने उसकी मौत पर सवाल खड़े कर दिए। चलिए अब आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर यहाँ मौत पर सवाल खड़े हुए तो क्यों। सामने आया है कि इस शख्स के एक महिला से अवैध संबंध थे। महिला उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन दोनों के बीच कभी प्यार और कभी तनाव के संबंध बनते बिगड़ते रहते थे।
बीती रात को छोटेलाल के बेटे को महिला ने फोन पर खबर दी कि उसके पिता की तबीयत खराब है, वो अस्पताल में दाखिल है और तुम लोग तुरंत आ जाओ। इस पर छोटेलाल का परिवार पंडितपुरा के अस्पताल पहुंचा। वहां छोटेलाल की तबीयत बिगड़ने पर उसे दौसा रेफर कर दिया गया। रात को ही परिजन छोटेलाल को दौसा ले गए, लेकिन छोटेलाल ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। घर में शोक छा गया। मौत की खबर पर सब परिजन घर पहुंच गए। हालांकि अब पुलिस को इसी महिला पर शक है कि कहीं अपने निजी फायदे के लिए उसने किन्हीं कागजों पर अंगूठा लगवाया हो और फिर उसे मार दिया हो सकता है कि हत्या के बाद उसका अंगूठा किसी कागज पर लगा दिया गया हो। और अब इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने में जुटी है बांदीकुई पुलिस। और यही कारण रहा कि बेटा दाह संस्कार की तैयारी में था और पुलिस डेड बॉडी उठाकर ले गई। बहरहाल अब इस पूरे राज से पर्दा उसी वक्त उठेगा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस के सामने होगी। फर्स्ट इंडिया के लिए बांदीकुई से जितेंद्र देव की रिपोर्ट। चलिए अब आपको रूबरू कराते हैं उन दो युवकों से जिनकी मौत शोक की आदत ने उन्हें हवालात पहुंचा दिया। करीब एक सप्ताह पहले यूपी के रहने वाले दो युवकों ने एक सूने पड़े एटीएम को लूटने की साजिश रची और फिर वो एटीएम सेंटर पर पहुंच गए। इन्हें पता था कि यहाँ सीसीटीवी कैमरा भी होता है, तो उन्होंने उसे भी तोड़ दिया। लेकिन ये भी साफ है कि गुनहगार अपने सुराग तो छोड़ ही जाते हैं और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अपने चेहरे पर मासूमियत का लबादा ओढ़े ये वो युवक हैं जो मोटी रकम लूटकर लखपति बनना चाहते थे। ये वो शख्स हैं जो मोटी रकम लूटकर माया नगरी मुंबई की ओर रुख करना चाहते थे और जिंदगी के ऐशो आराम लूटना चाहते थे, लेकिन सब कुछ शॉर्टकट के जरिए से। और फिर इन्होंने वो गुनाह कर डाला जिसके बाद ये मुंबई की सैर तो नहीं कर पाए, हाँ पुलिस ने इन्हें हवालात की सैर जरूर करा दी। दरअसल ये दोनों शातिर करीब 7 दिन पहले बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम पर पहुंच गए। सुबह करीब 3 बजे का वक्त था और उस वक्त वहां चौकीदार भी नदारद था और इसी का फायदा उठाया इन शातिरों ने। इन्होंने कोशिश की कि एटीएम को तोड़ा जाए, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में वारदात हुई है रिको में। उसमें अभी हमने पूछताछ के बाद अभी 2 लोगों को उसमें अरेस्ट किया, एक को कल किया था सौरभ नाम के लड़के को, और सौरभ से हुई पूछताछ में एक दूसरा धर्मेंद्र नाम का लड़का अभी अरेस्ट किया है। उसमें भी 2 और हो सकते हैं, तो उनको भी हम जल्दी गिरफ्तार करेंगे। ये बिल्कुल आवारा हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, गलत इनको शौक लगे हुए हैं, ड्रिंक करते हैं और गलत संगत में ये लोग हैं, तो उस गलत संगत के कारण ही इनके कई तरीके के खर्चे हो गए हैं, तो उनकी पूर्ति के लिए ये लोग इस तरीके की जा रहे हैं। सामने आया है कि वारदात के दौरान एटीएम का सुरक्षा गार्ड कहीं चला गया था। आधे घंटे बाद लौटा, तब उसने पुलिस को खबर दी। रात करीब 3:15 बजे पुलिस मौके पर आई, तब एटीएम टूटा हुआ था और लोहे का एक सरिया एटीएम में घुसा हुआ था। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आसपास के लोगों द्वारा पूछताछ करने पर आरोपियों की पहचान हो गई।
दो आरोपी यूपी के रहने वाले हैं और तीसरा जयपुर का बताया जा रहा है। वो अभी तक तो ऐसा कुछ सामने तो नहीं आया है कि फोटो वगैरह आ रही है, घर पे भी आईओ ने क्या क्या चेक किया है वो भी मैंने देखा नहीं है। लेकिन इनके जो शौक हैं तो एक तो बता रहा है घर बनाना था उसको, इस तरीके की ये कई तरीके के इनके शौक हैं तो उनकी पूर्ति के लिए ये इस तरीके की वारदात करना इन्होंने बताया। अगली वारदात इसमें आ रही है, फुटेज में क्लियर नहीं है लेकिन मालूम चल रहा है कि बदमाश इसमें एंटर हो रखे हैं और इस तरीके की वारदात कर रहे हैं। गार्ड उसमें था लेकिन गार्ड का जानकारी में आया गार्ड एक घंटे पहले चला गया था। नहीं, गार्ड की कोई भूमिका नहीं है, कुल मिला के लापरवाही है उसकी कि उसको होना चाहिए था लेकिन वो नहीं था। आपको बता दें कि यहाँ पहले बदमाश मुंह पर नकाब लगा कर आए और सीसीटीवी तोड़ने के बाद नकाब उतार दिया, बाद में लोहे के सरिये से एटीएम को तोड़ने और उखाड़ने लगे। तोड़ने की आवाज सुनकर आसपास के सुरक्षा गार्डों ने चिल्लाना शुरू किया तो बदमाश सरिया छोड़कर वहां से फरार हो गए। ये पूरी वारदात एटीएम में लगे दो कैमरों में कैद हो गई। फुटेज में कैद फोटो में आरोपियों के चेहरे साफ नजर आ रहे थे। ऐसे में पुलिस ने बदमाशों का पता लगा लिया। बहरहाल अब पुलिस ने झालाने के रहने वाले सौरभ और धर्मवीर को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन अभी इनके दूसरे साथियों की तलाश जारी है। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राम स्वरूप की रिपोर्ट। वाकई जब किसी इंसान के दिल में लालच पैदा हो जाए और शॉर्टकट तरीके से वह मोटी रकम हासिल करना चाहे तो फिर कुछ ऐसी ही तस्वीरें सामने आती हैं। बहरहाल अब ये माया नगरी तो नहीं पहुंच पाए लेकिन सलाखों के पीछे जरूर पहुंचा दिए गए। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे एक उस गुनाह के बारे में जो कहीं और नहीं बल्कि राजस्थान की एक जेल में किया गया। पूरी तस्वीर दिखाएंगे इस ब्रेक के बाद।